वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्यारहवें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 सीरियल एक महानायक डॉक्टर बी आर अंबेडकर के सितारों को सेट पर जाकर किया सम्मानित। 14 अप्रैल को परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 10 सालों से भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड आयोजित किया जाता आ रहा है, आयोजक कैलाश मासूम के द्वारा। इस बार 2021 में कोरोना काल के चलते और अपनी व्यवस्था के चलते कुछ कलाकार नहीं आ सके, जिनमें अभिनेता जगन्नाथ निवानगुने व बाल कलाकार आयुध भानुशाली है, जो सीरियल एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में एक अहम भूमिका कर रहे हैं। उन्हें सेट पर जाकर आयोजक कैलाश मासूम ने अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि एनटीवी पर गत एक वर्ष से यह सीरियल काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें जगन्नाथ निवानगुने रामजी सकपाल का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं आयुध भानुशाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का किरदार निभा रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं सेट पर, देखते हैं हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑन सेट एक महानायक डॉक्टर बी आर अंबेडकर। खुश नसीब हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका 2021 का अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। सच बात बताऊँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये रामजी सकपाल ये कैरेक्टर प्ले करने का मुझे मौका मिला। हम यहाँ कम से कम एक साल से काम कर रहे हैं, 70 लोग काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, बल्कि ये मेरे पूरे यूनिट का अवार्ड है। शोभा फिल्म्स जिन्होंने मुझे ये रोल करने का मौका प्राप्त किया दिया, इन्होंने हमारा एनटीवी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि नहीं ये कैरेक्टर अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। अभी तो छोटा भीम है, भीमराव अंबेडकर भी छोटे हैं, अभी 2-3 महीने में 15-16 साल के हो जाएंगे। फिर आगे उनकी जो कहानी है लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लोग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार देते हैं। मैंने किताब जब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कुछ किया है जो हम अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो इस सीरियल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, उनके फैमिली ने क्या किया। अब तक ये पता था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था, उन्होंने संविधान लिखा था लोगों के लिए, ऐसा ऐसा किया है, वो किया है, पढ़ाई के लिए सब कुछ किया है, लेकिन उनके फैमिली ने भीमराव के साथ किया है क्या किया है। जो उनके पिताजी थे रामजी सूबेदार, वो अंग्रेजी फौज में सूबेदार थे, कई सालों से वो वहाँ नौकरी भी करते थे, तो उनका ये मानना था कि अगर मेरे बच्चे शिक्षित रहेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो समाज में कहीं उपयोगी आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत कष्ट किए उनको, इतने तकलीफ के बावजूद भी कि उनकी जो बुआ है मीराबाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, उनके जो मित्र परिवार थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सीरियल कर रहा था कि जब भीम पैदा हुए थे तो बहुत बारिश थी, बारिश में आए, वैसे तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14वें रत्न कहते हैं उसे, वैसे वो 14वें रत्न थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल मुझे मासूम जी का कॉल आया था, लेकिन मैंने मेरी थोड़ा प्रॉब्लम बताया कि हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, शूटिंग चल रहा है और यहाँ भी लॉकडाउन, आज कल से लॉकडाउन है,
तो अब अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो प्लीज़ आ जाइए, तो वो खुद ही यहाँ आए। थैंक यू मासूम जी, और मैं अपने खासदार डॉक्टर अपने खासदार रामदास जी आटोली, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड के लिए हमें चुना, मुझे और ये मेरा छोटा आयुध दोनों को ही चुना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, ये तो मेरे पूरे यूनिट का अवार्ड है, ये मेरे DOP का अवार्ड है, ये मेरे डायरेक्टर इम्तियाज पंजाबी है, या रणदीप माड़िक है, या कली शेख है, या हमारे विनोद सर है, विनोद माणिक राव, ये मेरा अवार्ड नहीं बल्कि इन सबका अवार्ड है। ये सुबह फिल्म्स का अवार्ड है, ये आयन TV का अवार्ड है, और इस अवार्ड से मुझे सराहा गया, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी शब्द नहीं आ रहे कि ऐसा अवार्ड मैंने कभी लिया नहीं है और मेरा पहला अवार्ड मिला। मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे कि TV शो में मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला एज एक्टिंग का, फिल्म में मिला है मराठी में बेस्ट एक्टर का, सपोर्टेड एक्टर का, लेकिन ये मेरा पहला अवार्ड है। और ये अवार्ड TV के नहीं है, ये अवार्ड लोगों का अवार्ड है, लोगों ने दिया है, लोगों ने मुझे पसंद किया है, मुझे और भीम को या और हमारी पूरी फैमिली को और पूरे यूनिट को। तो इसका मैं बहुत बहुत ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमें प्रेम करते रहिए, ऐसे ही हमारी सीरियल देखते रहिए। जितना भी आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत धूप है, कड़ी धूप में हम सिर्फ आपके लिए शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम 120 साल पीछे गए, और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये जो यहाँ शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, कि यहाँ के लोग जो है, मेरे बच्चे भी चप्पल नहीं पहनते, ऐसे ही धूप में चलते हैं, ऐसे एक साल से चल रहे धूप में, छाँव में, बारिश में काम करते जा रहे हैं सिर्फ आपके लिए, और ऐसे ही हमें प्रेम करते रहिए। ये मुझे अवार्ड मिला, फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरे पास शब्द नहीं है, पूरे देशवासियों को, भारतीयों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये करके, और थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, वेरी वेरी थैंक यू। और ये बस मेरा ही अवार्ड नहीं है, ये पूरी यूनिट का है, DOP का है, प्रमिल सर का है, मकवाना सर का है, मनीष सर का है, ये इम्तियाज सर का है, सबका है ये अवार्ड। शूटिंग में कितनी मजा आ रही है आपको? मजा तो आता है, लेकिन जब धूप में काम करना होता है वाट लग जाती है। अरे ये आप शूटिंग भी कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है आजकल? हाँ, जब ये सीन में जब टाइम मिलता है तब मैं कर लेता हूँ पढ़ाई। कितना मजा आ रहा है काम करने के लिए, खासतौर पर भीमराव का किरदार कर रहे हो आप? मजा तो आता है बहुत। क्या कुछ जाना है अपने भीमराव जी के बारे में? जाना है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, उन्होंने पानी नहीं मिलता था उन्हें कुएं में से, तो उन्होंने उनके लिए लड़ा और एक समान किया पूरी दुनिया को, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था पूरी इंडिया का।